अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल रिजवान अली में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त घर पे खैर तफियत से होंगे। और मेरे आका हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम, उनके बाबरकत नाम से मैं आज अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं बनाने लगूँ क्रिस्पी पकौड़े, और बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने का भी इनका मज़ा अपना ही है। तो आइए देखें मैं इनके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने ले ली है, एक प्याज मैंने ले लिया है और एक आलू ले लिया है। आलू को आपने इस शेप में कटाई कर लेना है, और प्याज भी आपने इसी शेप में बड़ी बड़ी से साइज़ में काट लेना है। दर मिर्च मैंने एक चम्मच ले ली है, खुश्क धनिया पिसा हुआ एक चम्मच इस्तेमाल करूँ, एक नमक की चम्मच ले लिया, और ज़ीरा भी साथ एक चम्मच ले ली है। साथ मैंने थोड़ी सी कटी हुई पालक ले रहा हूँ, और वो भी इस शेप में बड़ी बड़ी, बारीक आपने नहीं काटनी, और एक कप बेसन का ले लिया। तो आए आप इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों, आपने बेसन की मिकदार शुरू में कम रखनी है, और पालक को आपने मिक्स करना है। जैसे आप समझते हैं आपका बेसन कम है, उसमें थोड़ा सा और शामिल करना है, जिस तरह मैंने थोड़ा सा और इसमें शामिल किया है, ताकि तब जाके आपके क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे। अब इसमें शामिल करूँगा मैं दोस्तों आलू को और प्याज को, और साथ ही दोस्तों कटी हुई जो सी हरी मिर्च मैंने की थी वो भी इसमें अभी शामिल कर दूँगा। और दोस्तों, आपने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है, तब आपके जो से पकौड़े सही क्रिस्पी तैयार होंगे। आपने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना एंड तक। जी दोस्तों, ये आलू और प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें मसाला जात को भी मैं शामिल कर रहा हूँ। दरा मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा, साबुत और नमक। हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले बेहतरीन मिक्स हो जाएं इसमें। अभी मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें पानी को शामिल करने लगूँ। हाथ की मदद से इस तरह आपने इसको मिक्स करना है। जी, अब इसमें पानी को शामिल करता हूँ मैं। बिल्कुल आपने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है। और फिर आपने इनको मसलना है, ताकि आपका मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। थोड़ा सा इसमें और पानी को शामिल करूँगा जी। ये ख्याल करना है दोस्तों, आपने ज़्यादा पानी इसमें नहीं शामिल करना, फिर आपके क्रिस्पी पकौड़े नहीं बनेंगे। माशाल्लाह जी, अब हमारा पकौड़ों का मिक्सर तैयार हो गया है। अब हम पकौड़े तैयार करते हैं जी। माशाल्लाह जी, आयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकौड़ों को शामिल करेंगे जी। माशाल्लाह जी, हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं बहुत अच्छे मज़े के जी। और ये देखें जी, बहुत अच्छे ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और आप भी इस तरह घर में बना के एंजॉय करिएगा। और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, मेरी हौसलाफजाई करिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर होगा। उस वक्त के लिए दोस्तों, अल्लाह नेकबान।